एवरीवन, वेलकम इन अवर साइंस क्लास अगेन। आप सभी को याद होगा हम अपना लेसन नंबर 2 जो था हमारा ग्रीन प्लांट्स द फूड प्रोड्यूसर्स, ये चैप्टर हम रीड आउट कर रहे थे, है ना। तो हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ जाना, लीव्स के बारे में जाना, लीव्स ग्रीन क्यों होते हैं और लीव्स पूरे प्लांट के लिए खाना बनाते हैं, किस तरह से वो खाना पूरे प्लांट में पहुंचाया जाता है, जो खाना बच जाता है उसे हम स्टार्च कहते हैं और स्टार्च को हम लीव्स में कैसे टेस्ट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। उसके अलावा लीव जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, किस तरह से किसी भी प्लांट के काम आता है लीव। आज हम हमारा लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं इंटरडिपेंडेंस अमंग प्लांट एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स किस तरह से एक दूसरे पर निर्भर है, है ना। ये टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं कि दोनों प्लांट हो या एनिमल हो, ये ध्यान रखें कि अभी हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ प्लांट और एनिमल्स का चल रहा है। तो किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे पर निर्भर है जिंदा रहने के लिए, ठीक है। तो जो एनिमल और प्लांट है वो एक दूसरे पर निर्भर जो है, उन्हें हमने दो हिस्सों में कैटेगराइज किया है कि प्लांट्स और एनिमल्स दो तरह से एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, जो मैं आपको इसके थ्रू समझाने जा रही हूँ। सबसे पहला जो हमारा तरीका है जिसकी वजह से प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर निर्भर है, वो है फूड चेन, ठीक है, डिपेंड है एक दूसरे पे। तो सबसे पहला जो हमारा वो है हमारा फूड चेन, कि फूड चेन की वजह से प्लांट और एनिमल एक दूसरे पे डिपेंड है, यानी कि प्लांट के बिना एनिमल और एनिमल के बिना प्लांट नहीं रह सकते हैं। देखिए फूड चेन का मतलब क्या होता है, चेन आप सभी जानते हैं ना, चेन एक लंबी सी चेन चलती जाती है, है ना, एक दूसरे से जुड़ी होती है चेन। ठीक इसी तरह से जो प्लांट और एनिमल है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखिए हम इसको इसकी हेल्प से समझते हैं, पिक्चर की हेल्प से। ये एक प्लांट है जो ग्रीन है ना। अब इस ग्रीन प्लांट को इज ईटन बाय हर्बीवर। हर्बीवर कौन होता है, हर्बीवर वो एनिमल होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। तो इस ग्रीन प्लांट ने अपना खाना बनाया और इस ग्रीन प्लांट ने पूरे ग्रीन लीव्स ने खाना बना के पूरे प्लांट को प्रोवाइड किया। तो ग्रीन प्लांट के अंदर एनर्जी आ गई। अब एक हर्बीवर एनिमल आया लाइक जीब्रा। जीब्रा एक हर्बीवर एनिमल होता है। तो जीब्रा आया और जीब्रा ने आके इस प्लांट को क्या किया, खा लिया। अब जीब्रा ने इस प्लांट को खा लिया तो सारी एनर्जी किसके अंदर आ गई, अब जीब्रा के अंदर आ गई, ठीक है। लेकिन तभी क्या हुआ, हर्बीवर इज ईटन बाय कार्निवर। कार्निवर कौन होता है, वो एनिमल जो दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाता है, जो दूसरे एनिमल्स को खाता है, उसे कार्निवर एनिमल कहते हैं, ठीक है। तो कार्निवर एनिमल लाइक टाइगर आया और इसने क्या किया, इसने इस जीब्रा को खा लिया, ठीक है। अब इस जीब्रा को खा लिया तो सारी एनर्जी किसके अंदर चली गई, इस टाइगर के अंदर चली गई। पर क्या ये टाइगर जिंदगी भर जिंदा ही रहेगा, कभी ना कभी इसे टाइगर की भी डेथ होगी, है ना। और जब इस टाइगर की डेथ होगी तो ये टाइगर किस में जाके मिक्स हो जाएगा, यस, ये टाइगर मिक्स हो जाएगा सॉइल में, यानी कि मिट्टी में। और जब ये टाइगर मिट्टी में मिक्स हो जाएगा तो वहां की जमीन फर्टाइल यानी कि उपजाऊ बन जाएगी, अच्छी बन जाएगी। फिर वहां पे कोई भी सीड, कोई भी फ्लावर, कोई भी चीज गिरेगी, बारिश होगी, तो उससे क्या उग जाएगा, एक नया प्लांट वहां पे उग जाएगा। फिर इस प्लांट को एक हर्बीवर खाएगा, फिर इस हर्बीवर को एक कार्निवर खाएगा, उसके बाद फिर कार्निवर मर जाएगा, फिर एक प्लांट उसकी जगह पे उग जाएगा। तो ये फूड चेन है कि एक से दूसरे को खाना मिल रहा है, दूसरे से तीसरे को खाना मिल रहा है, फिर तीसरे को चौथे से खाना, इस तरह से ये फूड चेन चलती रहती है, ठीक है। इस फूड चेन में हम ह्यूमंस का कोई रोल नहीं है। ये फूड चेन फॉरेस्ट में, जंगल में ये फूड चेन चलता रहता है और इसकी वजह से ही हमारे फॉरेस्ट जो है वो हरे भरे रहते हैं। अगर मैं इस फूड चेन में से किसी भी एक को गायब कर दूं तो हमारा पूरा बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर मैंने बीच में हर्बीवर्स को हटा दिया, मान लीजिए हर्बीवर एनिमल है ही नहीं दुनिया में, तो क्या होगा, ये टाइगर जो है ये प्लांट को तो खाएगा नहीं, है ना, क्योंकि टाइगर के खाने के लिए अब कुछ बचा नहीं, टाइगर मर जाएगा। अब प्लांट क्या होगा, फिर प्लांट को खाने के लिए भी कोई नहीं है, तो प्लांट बढ़ते जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि ज़्यादा ऑक्सीजन भी हमारे लिए खतरनाक होता है, दम घुटने लगता है, ठीक है। ऐसे ही इसीलिए ज़रूरी है कि हर्बीवर एनिमल बीच में हो ताकि वो प्लांट को खाए और प्लांट को बैलेंस में रखे। ऐसे ही कार्निवर एनिमल भी ज़रूरी है कि वो
हर्बीवर को खाए तो वो हर्बीवर एनिमल को बैलेंस में रखेगा, ठीक है। तो फूड चेन इसी को हम कहते हैं कि एक को दूसरे ने खाया, दूसरे को तीसरे ने खाया, फिर तीसरे से चौथा, ठीक है। तो ये फूड चेन फॉरेस्ट में चलती रहती है। तो प्लांट और एनिमल्स दोनों एक दूसरे के ऊपर, मैंने कहा था ना, दो तरीके से डिपेंड है, जिसमें से सबसे पहला तरीका है फूड चेन। फूड चेन की वजह से प्लांट और एनिमल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, यानी कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। चलिए अब जानते हैं दूसरा तरीका कौन सा है जिसकी वजह से प्लांट और एनिमल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। दूसरा तरीका जिसकी वजह से प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आप सभी को पता है कि प्लांट हमें क्या देते हैं, प्लांट गिव्स अस ऑक्सीजन। हमें जानवरों को सबको प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन देते हैं, ऐसे ही वी गिव कार्बन डाइऑक्साइड टू प्लांट। हम हो गए या फिर एनिमल्स हो गए, हम क्या देते हैं प्लांट को, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम ह्यूमन की बात अभी छोड़ दें, मान अभी हम सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पे क्यों डिपेंड है, पहले आपको बताया फूड चेन की वजह से, और दूसरा है गैसेस की एक्सचेंज की वजह से, ठीक है। कि प्लांट ऑक्सीजन देते हैं किसको, एनिमल्स को, और एनिमल्स फिर देते हैं उनको बदले में कार्बन डाइऑक्साइड। मान लीजिए अगर किसी ने अपने फायदे के लिए, हम ह्यूमंस ही हो गए जैसे, अपने फायदे के लिए हमने प्लांट्स काटने शुरू कर दिए, प्लांट्स काटने शुरू कर दिए, प्लांट्स कम होने का मतलब है ऑक्सीजन कम होना, है ना। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन हो जाएगा कम और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा ज़्यादा, है ना। ऑक्सीजन कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, हमें घुटन महसूस होने लगेगी, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही अगर लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए एनिमल्स को मारना शुरू कर दिया, एनिमल्स को मारना शुरू कर देंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम मिलेगा प्लांट्स को, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कम मिलेगा प्लांट्स को, कार्बन डाइऑक्साइड कम मिलेगा तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे, क्योंकि प्लांट्स को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे तो वो ऑक्सीजन भी नहीं दे पाएंगे फिर, है ना, ऑब्वियस सी बात है, वो ऑक्सीजन भी नहीं दे पाएंगे हमें, और ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे तो फिर हमें फिर से वही प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, हमारा दम घुटने लगेगा, हमारा, एनिमल्स का, सबका। इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्लांट हो या एनिमल हो, हम दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के चले, ना ही हम प्लांट्स को ज़्यादा अंधाधुंध कट करें, ना ही हम एनिमल्स का जो शिकारी होते हैं वो एनिमल्स का शिकार करें अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। इसीलिए इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाकर रखें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो, फिर चाहे वो ऑक्सीजन हो, फिर चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, दोनों ही खतरनाक होते हैं, ओके। तो आज के टॉपिक में हम, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था टॉपिक हमारा था आज का इंटरडिपेंडेंस अमंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि प्लांट और एनिमल एक दूसरे पे किस तरह से डिपेंड है। तो दो तरीके से डिपेंड थे, एक तो फूड चेन जो मैंने आपको समझाया, और दूसरा कि गैसेस का एक्सचेंज होता है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक आज का यहीं पर फिनिश होता है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छे से समझ भी आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट्स, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।